गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फर्स्ट, और टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th नंबर चैप्टर, 3rd तक हमने कर लिया, 4th नंबर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंध या रासायनिक आवंदन एवं आणविक संरचना। ये हमारा चैप्टर है जिसके अंदर हम केमिकल बॉन्ड के बारे में और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है रासायनिक आवंदन या रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंध क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात है कि मान लो ये हाइड्रोजन इस दूसरे हाइड्रोजन के साथ रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि परमाणु, इस परमाणु और इस परमाणु के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य करता है, या जो इन दोनों को आकर्षित करता है और दोनों को जोड़े रखने का काम करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कोई एक ऐसा आकर्षण बल जो अणु के जो परमाणु होते हैं उनको आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है, वो क्या होता है? रासायनिक बंध होता है। क्या होता है? रासायनिक बंध। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले तो आयनिक बंध क्या होता है उसकी भी स्टडी करेंगे हम, और सहसंयोजक बंध कैसे बनता है और उसमें कौन कौन भाग लेता है, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। रासायनिक बंधन को समझाने के लिए इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, और उन सिद्धांत के आधार पर रासायनिक बंधन और कोई भी अणु है उसकी मॉलिक्यूलर संरचना को बताया गया है। तो इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत जैसे कोसेल लुईस अवधारणा, इसकी हम स्टडी करेंगे, कोइस लुईस अवधारणा की। इसी के अंदर थोड़ी सी लुईस संरचना से संबंधित भी बात करेंगे अपने, या फिर हम अष्टक नियम की बात करेंगे। अष्टक नियम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। या हम BSPR सिद्धांत, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी है BSPR, इसकी भी बात करेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत BBT जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हो जाएगा वैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक थ्योरी MOT भी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि सही मायने में रासायनिक बंध कैसे बनते हैं, और उनको जो प्रत्येक जो अणु है उसकी मॉलिक्यूलर संरचना किस प्रकार की होती है। तो ये सारे सिद्धांत कोई भी अणु है उसकी मॉलिक्यूलर संरचना को समझाने के लिए दिए गए, जिसको हम एक एक लेकर के और इनको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रासायनिक, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन के लिए कोसेल लुईस अवधारणा, कोसेल लुईस अवधारणा। सबसे पहले हम इसको लेते हैं,
कोसेल लुईस अवधारणा। दो साइंटिस्ट थे, कोसेल और लुईस नामक। उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि रासायनिक बंध किस प्रकार बनता है और उनको कैसे बनाते हैं रासायनिक बंध को। तो कोसेल लुईस ने एक चीज ये बताई कि कोई भी परमाणु है वो उसका जो धनात्मक भाग है, कोई भी परमाणु है उसका जो धनात्मक भाग है, या इस भाग को बोला जाता है धनात्मक अस्थि। तो कोसेल ने कहा कि जो मध्य में स्थित या धनात्मक जो परमाणु है वो उसकी धनात्मक अस्थि होती है, और जो बाह्यतम कक्षक है या इसके कक्षक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि इनका 8 का मतलब इनका अष्टक होना चाहिए, और वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कोणों पर स्थित होते हैं। इन्होंने इस तरीके की कोई बात की, मान लो 8 है तो 8 है, 8 नहीं है तो 4 है तो 4 व्यवस्थित करेंगे, यानी कि इस अस्थि के कोणों पर ये व्यवस्थित होंगे, इस तरीके की बात की। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास वर्ग नंबर फर्स्ट होता है पीरियोडिक टेबल का, जिसके अंदर हम इनको काम में लेते हैं। जैसे हम सोडियम को ले लेते हैं, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है, तो 2, 8 और 1 यानी कि 11 होता है। इसके पास में बाह्यतम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये Na पॉजिटिव बना सकता है, यानी कि धनात्मक भाग बना सकता है। ये धनात्मक भाग यहाँ रह सकता है, और जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो इसके कोणों पर व्यवस्थित हो सकते हैं। इसी प्रकार हम वर्ग नंबर 18 की बात करें, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन, ये सारे क्या होते हैं, पूर्ण पूरित विन्यास वाले होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण पूरित विन्यास, यानी कि हीलियम को छोड़कर बाकी सारों के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार इसके आगे आता है वर्ग नंबर 17, जहां पर हम F, Cl, Br और I रखते हैं। इनके अंदर जैसे मैं Cl को ले लूं, तो परमाणु क्रमांक 17 2, 8 और 7 की फॉर्म में पाया जाएगा, तो बाह्यतम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बाहर से अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो नेगेटिव में बदल सकता है और अपने अष्टक को कंप्लीट कर सकता है, और अष्टक को कंप्लीट करके पूर्ण पूरित विन्यास को प्रदर्शित करेगा। तो ये कुछ बातें कोसेल ने बताई। फिर इसी के साथ में लुईस भी था, उसने भी कुछ बातें बताई जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो लुईस क्या कहते हैं कि जिसके पास में, अगर हमारे पास जो लुईस है, लुईस ने अपना एक लुईस प्रतीक दिया, किस तरीके से शो करते हैं हम लुईस प्रतीक को। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, बाह्यतम कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको इस तरीके से प्रदर्शित करना लुईस प्रतीक होता है। जैसे हीलियम है हमारे पास, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनको इस तरीके से शो करना। लिथियम का 3 यानी कि 2 और 1 फॉर्म में पाया जाएगा, तो बाह्यतम कक्षक में लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको इस तरीके से शो किया जाएगा। ये किसने बताया था? लुईस ने बताया था अपनी अवधारणा के अकॉर्डिंग। जैसे
लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरेलियम बेरेलियम का परमाणु क्रमांक 4 तो ये 2 और 2 की फॉर्म में पाया जाएगा। तो बेरेलियम को अगर लुईस प्रतीक के रूप में रखेंगे तो इस तरीके से। फिर बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, 2 और 3 फॉर्म में पाया जाएगा। तो बोरोन को लुईस संरचना के रूप में रखेंगे तो ऐसे रखेंगे। इसी प्रकार कार्बन कार्बन को 2 और 4 की फॉर्म में इस तरीके से। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन आता है तो 2 और 5 की फॉर्म में पाया जाएगा। तो 5 की फॉर्म में पाया जाएगा तो इसके जो बायतम कक्षक है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो नाइट्रोजन को ऐसे शो कर सकते हम। फिर इसी प्रकार ऑक्सीजन 8 नंबर पर जो 2 और 6 की फॉर्म में पाया जाएगा लुईस प्रतीक के रूप में रखेंगे तो इसको इस प्रकार रखेंगे। इसी प्रकार फ्लोरीन 2 और 7 तो ये इस तरीके से रख सकते हैं। और नियोन 10 होता है ये 2 और 8 पूरा कंप्लीट पूर्ण पूरी विन्यास पाया जाता है इसका। तो बाह्यतम कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पूरे कंप्लीट 8 होते हैं जिसको हम नियोन को इस प्रकार रख सकते हैं लुईस प्रतीक के अकॉर्डिंग। फिर इसी प्रकार अगर सोडियम हमारे पास 11 तो 2 और 8 और 1 तो सोडियम को इस तरीके से रखेंगे। इसी प्रकार मैग्नीशियम है तो 2, 8 और 2 यानी कि मैग्नीशियम का जो लुईस प्रतीक होगा वो ये हो जाएगा। एल्यूमिनियम को 2, 8 और 3 की फॉर्म में तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? 3। और सिलिकॉन तो 2, 8 और 4 तो सिलिकॉन का लुईस प्रतीक 4 हो जाएगा। इसी प्रकार फास्फोरस तो ये 2, 8 और 5 की फॉर्म में पाए जाएंगे तो लुईस प्रतीक। 16 पे सल्फर तो 2, 8 और 6 की फॉर्म में तो सल्फर को 6 इलेक्ट्रॉन के रूप में। 17 नंबर पर क्लोरीन तो 2, 8 और 7 तो ये Cl 7 की फॉर्म में। आर्गन आर्गन 8 नंबर पे 2, 8 और 8 तो इसको आर्गन का पूर्ण पूरित विन्यास जिसको लुईस संरचना के रूप में से शो कर सकते हैं। पोटेशियम 19 तो 2, 8 और 1 तो पोटेशियम को इस प्रकार। और इसी प्रकार कैल्शियम को 2, 8 और 2 तो कैल्शियम को इस प्रकार रख सकते हैं। ये मैंने 1 से लेकर आपको 20 तक लुईस प्रतीक को कैसे शो करते हैं वो सारी बातें बताई है। भी लुईस प्रतीक को शो किया हमने। लुईस प्रतीक को शो करने के साथ में हम इनकी संयोजकता भी बता सकते हैं कि संयोजकता को कैसे शो किया जाता है। तो कोई भी तत्व होता है उसका जितना लुईस प्रतीक होता है उतनी उसकी संयोजकता होती है। लेकिन कई जगह इसको इस प्रकार लिया जाता है, जैसे मान लो इसकी संयोजकता 1 होगी, 1 प्रतीक। इसकी संयोजकता पूर्ण पूरित विन्यास है इसका, तो इसकी वैसे कोई संयोजकता नहीं और 2 रख देते हैं। यहाँ पर 2 और 1 आ गया तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3 और इसकी संयोजकता 4। अब देखो 5 है यहाँ पर, हमें 8 कंप्लीट करने हैं। तो मैं से कह सकते हैं ना 8 माइनस 5 बराबर 3 तो इसकी संयोजकता 3 होगी, ठीक है। कुछ की तो प्रतीक के रूप में
अब यहाँ पर 8 माइनस 6 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 8 माइनस 7 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पर तो शून्य है ही, और यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, और यहाँ पर 8 माइनस 5 बराबर 3 हो जाएगी, और 8 माइनस 6 बराबर 2 हो जाएगी, और 8 माइनस 7 बराबर 1 हो जाएगी, और इसकी शून्य और इसकी 1 और इसकी 2। इस तरीके से इनकी संयोजकता को भी हम शो कर सकते हैं इनके द्वारा, लुईस प्रतीक के द्वारा। अब देखिए लुईस प्रतीक के द्वारा हम एक आधा जो कंपाउंड है उसका हम करके देखें बॉन्डिंग की, किस तरीके से बॉन्ड बन सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारे पास मान लो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन H2 है, ये H2 बना कैसे है, ठीक है। अब देखिए जो हाइड्रोजन है उसको, एक हाइड्रोजन को ऐसे शो किया हमने, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे शो कर दिया, तो H और यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये H का एक और ये दूसरे H का, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो किसके समान हो जाएंगे, हीलियम के समान, किसके समान हो जाएंगे हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक और कंपाउंड ले Cl2 ले लेते हैं, तो Cl के पास ये 6 और 7, दूसरे Cl के पास भी ये 6 और एक 7, अगर इनको ऐसे शो करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां, तो ये Cl है और ये एक Cl है, तो ये किसके समान, 8 हो गए पूरे, ठीक है। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बाद में कौन आता है, आर्गन, तो ये आर्गन के समान दिखाई देंगे, फिर आर्गन के समान विन्यास को शो करेंगे। तो ये लुईस संरचना के द्वारा हम इस तरीके से इनको शो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बॉन्डिंग भी करवा सकते हैं, हम कुछ बना सकते हैं आयनिक बॉन्ड, जैसे हम NaCl का निर्माण करें, NaCl का निर्माण, NaCl का निर्माण करना है हमें, तो यहाँ पर Na और एटॉमिक नंबर 11 बराबर क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1 इस फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। ये Na क्या करता है, 2, 8 और 1 फॉर्म में पाया जा रहा है, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस फॉर्म में आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया, और 2 और 8 पुनः परित हो गए। इसी प्रकार Cl का 17 होता है, तो 2, 8 और 7 फॉर्म में पाया जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करके Cl नेगेटिव बनाएगा, तो 2, 8 और 8 ये बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से बन सकता है। तो ये तो क्या कर रहा है, नियोन के समान है, ये तो नियोन के समान दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, आर्गन के समान दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आर्गन के समान दिखाई दे रहा है। अगर अब हम क्या करें, Na और Cl को आपस में मिला दें, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिल जाएं, तो क्या बना सकते हैं, NaCl बना सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि Na का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा और Cl का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। या फिर अपने ऐसे कहें कि Na के पास क्या था, एक था, और Cl के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ दे दिया, तो क्या बन जाएगा, Na तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, और इधर Cl पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 1 इसके पास चला गया। कहने का मतलब है क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा।
तो इस प्रकार NaCl का हमने निर्माण किया। इस तरीके से और भी कई सारे कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हो CaF2 का निर्माण, CaO का निर्माण, ये आप करके देखना। दोनों एग्जाम्पल आपके लिए। एक बार आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।